30 जनवरी शहादत की विरासत शहीद स्मारक बेतिया में सुबह 8 बजे से उपवास और प्रार्थना का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि गांधी के हत्यारों के वंशज ही आज गांधी को अपशब्द बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि गांधी मरा नहीं, आज भी जिंदा है, तभी तो गांधी का पुतला बनाकर गोली मार दी जाती है। हमारी साझी विरासत में अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, कुतुब मीनार, बड़ा इमामबाड़ा और ताजमहल भी शामिल है। अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी और गांधी हमारी शहादत की विरासत हैं। सावरकरवादियों की विरासत में हत्या और केवल पत्थर के देवता हैं, और हमारी विरासत में त्याग और बलिदान है। इसलिए आज 30 जनवरी 2022 को शहादत की विरासत के संदेश को जीने के लिए खुद को वचनबद्ध होकर शहीद स्मारक बेतिया में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक उपवास एवं प्रार्थना का आयोजन किया गया है। उपवास पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि महात्मा को श्रद्धांजलि देनी है। इस उपवास के द्वारा उनको स्मरण कर रहे हैं, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यह संकल्प कर रहे हैं कि जो नफरत की आग फैलाई जा रही है भाईचारे में, भाईचारे को ख़त्म करने का जो काम किया जा रहा है उसके खिलाफ़ हम लड़ेंगे और जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। ये उपवास कब तक जारी है? शाम 4 बजे तक। सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हुई है और शाम 4 बजे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज नाम हुआ। आज तो गांधी की शहादत दिवस है, लेकिन गांधी जी के जो विचारधारा हैं, जो उनका संदेश है, कुछ ताकतें, कुछ लोग हैं जो इसको हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह करते हैं। उनके जो हत्यारे हैं उनको लोग महान बता रहे हैं और गांधी को लोग गाली दे रहे हैं। तो हम इसके उपवास के तहत ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गांधी का विचारधारा है वो हमारे योग्य है, इसी से हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे बंधुता का कल्याण हो सकता है, बाकी दूसरी विचारधारा से संभव नहीं है। आप लोग जो अनशन कर रहे हैं कब तक जारी रहेगा? शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। और इसमें मेरा नाम हुआ गंगा सागर, इसमें कई संगठन के लोग हैं, आयोजक लोक संघर्ष समिति है, इसमें PUCL के लोग भी हैं, प्रचार संघर्ष वाहिनी के भी लोग हैं, कई संगठन के लोग इसमें शामिल हैं।